गाजियाबाद के हाईवे 58 रोड से निकलने वाली रैपिड ट्रेन की लाइन के निर्माण कार्य से हाईवे से सटे 20 से 25 मकान और दुकानें झज्जर हो गई हैं, जिसमें लोगवारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद हाईवे से सटे मकान और दुकानों के स्वामी कई माह से लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके मकान और दुकानों में जो नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके नुकसान को पूरा नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और रैपिड ट्रेन लाइन का निर्माण कार्य रोक देंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष टिंकू चौधरी दुहाई ने हाईवे से सटे मकान और दुकानों के स्वामियों की आवाज बुलंद की है। स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े टिंकू चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने रैपिड ट्रेन के सिविल इंजीनियर से कई बार बातचीत की और स्थानीय लोगों के नुकसान को लेकर मुआवजे की बात की, जिसके बाद सिविल इंजीनियर गौरव मल्होत्रा द्वारा स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया और उन्होंने 5,50,000 रुपए का चेक भी दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रैपिड ट्रेन के सिविल इंजीनियर द्वारा उन्हें सिंडिकेट बैंक के फर्जी चेक दिए गए, जो कि उनके किसी काम के नहीं है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनके नुकसान को पूरा नहीं किया गया तो वह अपने यहां से गुजरने वाली रैपिड ट्रेन की लाइन का कार्य किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि पिछले 2 साल से NCRTC का काम चल रहा है हमारे यहाँ। उस विरोध मतलब उस काम की वजह से हमारे करीबन 20 से 25 मकान है जिनमें दरारें आई हैं और बहुत जर्जर हालत हो चुके हैं। कुछ मकानों की ऐसी हालत है कि शायद उनमें डर लगता है रात को सोते हुए में कोई हादसा ना हो जाए। उसके हमने करीबन पिछले 6-7 महीने से उन्हें हमने बता भी रखा है और मकान में जर्जर हालत होने के क्योंकि यहाँ इनका काम शुरू हुआ है तो एक मशीन थी जो ये पाइल जो करी गई थी नीचे से, उस पाइल की मशीन फंसने की वजह से गुजरात से इन्होंने मशीन मंगाई और मशीन ने मतलब करीबन 18-19 दिन काम करा। उसकी इस तरीके से थी कि जैसे भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से सारे मकानों में जो करीबन 15 से 20 मकान है उनकी जर्जर हालत हुई और सारी इन्फॉर्मेशन हमने NCRTC वालों को दे रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने सिवाय हमें पिछले 6 महीने से समय दे रहे हैं, सारी उनसे बातचीत हो रही है हर बार और अब तो हद यहाँ तक कर दी उन लोगों ने कि एक ऐसे बैंक का चेक एग्रीमेंट कराया, मतलब मैं बता दे रहा हूँ 5.5 लाख का एग्रीमेंट कराया किसानों से जिन लोगों के मकान है, 5 लाख का चेक दिया और हद तो यहाँ तक होगी कि ऐसे बैंक का चेक दिया जो बैंक ऑलरेडी 2 साल पहले बंद हो चुका है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।